हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरा स्वीट रेसिपी। आज आप लोगों को बताएंगे एक न्यू रेसिपी, ब्रेड से स्नैक्स कैसे बनाएं। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, इसकी मत कीजिएगा। ये मेरा खाली बाउल है और इसमें डालेंगे ओनियन। अब इसमें छोटा सा कट किया हुआ जिंजर डालेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे इसमें ग्रीन चिली छोटी छोटी कट की गई हुई। अब इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून कोरिंडर पाउडर, हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर, टू स्पून अपने वही चावल डालेंगे राइस, अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे साल्ट। आप लोग जितना पसंद करते हैं खाते हैं उतना डाल लीजिएगा। सभी चीज़ें एक में मिक्स करेंगे, ऐसे एक स्पून की मदद से अच्छे से परफेक्ट ऐसे हिलाते हुए। ये सारी चीज़ें मेरी मिक्स हो गई हैं। आप लोगों के यहाँ अगर बासी चावल बच गए हों तो उन्हें फेंकिएगा नहीं, उन्हें यूज कर लीजिएगा, या फिर आप तुरंत बना के भी ये रेसिपी बना सकते हैं झटपट से। आप लोग राइस डालना नहीं चाहते हैं तो मत डालिएगा, पोटैटो भी डाल सकते हैं, बॉईल किया हुआ मैश करके पोटैटो डाल सकते हैं, या दोनों चीज़ें स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा वाटर में डिप करेंगे और जिससे ये ब्रेड गीली हो जाए, फिर डालेंगे अच्छे से ऐड करेंगे इसमें वही अपनी स्टफनिंग में। फिर एक लेंगे ब्रेड, फिर डिप करेंगे, फिर अपने हैंड से इसे मसल देंगे, फिर डाल देंगे, फिर मिक्स कर देंगे इसी में अच्छे से। मेरी स्टफनिंग बन के रेडी है, आप लोग देखिएगा कैसी लग रही है। अब इसे आप लोग अपने हैंड से स्नैक बना सकते हैं, इस शेप में भी बना सकते हैं, गोल शेप में, बॉल जैसे बना सकते हैं, हमें तो यही पसंद है। इस शेप में ऐसे लेंगे थोड़ा सा, फिर इसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर अच्छे से ये मेरा बन गया है। इसे भी उसी प्रोसेस से बनाएंगे। कढ़ाई मैंने रख लिया है, आयल डाल लिए हैं, अब आयल को हीट होने देंगे 5 मिनट तक के लिए। देखिएगा आप लोग इसमें बबल्स निकलने लगे हैं छोटे छोटे। आयल मेरा हीट हो गया है, अब इसमें डालेंगे वही अपने स्नैक्स, प्यारे से ऐसे एक एक करके डाल देंगे अच्छे से। आप लोग डालिएगा ऐसे इसी प्रोसेस से, फिर डालेंगे इसे अच्छी तरह से पकने देंगे, फ्राई करेंगे जब तक ये सुनहरे नहीं हो जाते हैं, ब्राउन ब्राउन क्रिस्पी से। इसे पकने में टाइम देंगे, स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, नहीं तो ये ऊपर ऊपर जल जाएंगे, नीचे से अच्छे से नहीं पकेंगे। अब ये अच्छे से पक गए हैं, अब इसे टर्न करेंगे, एक एक करके पलट देंगे अच्छे से। देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं क्रिस्पी। आप लोग जितना क्रिस्पी चाहते हैं उतना कर लीजिएगा। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों के हल्की फुल्की भूख हो तो आप लोग ये स्नैक्स बना के खा सकते हैं शाम के टाइम, मॉर्निंग में। अब ये दोनों साइड से पक गए हैं, क्रिस्पी से हो गए हैं, अब इसे निकाल लेंगे एक स्पून की मदद से ऐसे, इसे भी निकाल लेंगे। इसे
इसी प्रोसेस से सारे निकाल लेंगे। सेम वही आप लोग देखिएगा ये कैसे लग रहे हैं मेरे स्नैक्स, प्यारे से, सुंदर से, कितने क्रिस्पी, कितने क्रंची, लाजवाब, टेस्टी। हमें तो भाई ये स्नैक्स बहुत पसंद है। आप लोग टोमेटो केचप के साथ से खा सकते हैं। एक नाइफ की मदद से कट करके आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत अच्छे देखिएगा आप लोग, ये बहुत यमी है। आप लोग एक बार बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और खा के मेरे कमेंट में बताइएगा ये कैसे बने हैं। मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। हमेशा की तरह सिर्फ 3 चीज़, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।